हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट एस्टेलन। सत श्री अकाल, मैं हूँ पिंकी और आज झटपट रायता बनाते हैं, बूंदी का रायता जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच दही ले लिए, एक सर्विंग बता रही हूँ, 3 चम्मच दही ले ले और उसको विस्क से या फिर चम्मच से अच्छे से आपको फेंट लेना है। ठीक है, आपको अच्छे से फेंट लेना है इसको। यहाँ पे दही को अच्छे से फेंट लेने के बाद यहाँ पे मैं आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हो अगर आपको काली मिर्च नहीं पसंद है तो। उसके बाद इसमें हम लोग स्वाद के अनुसार या फिर आधी छोटी चम्मच नमक ऐड कर लेंगे। हमारा जो बूंदी ऐड करेंगे उसमें भी नमक है तो ज़्यादा ना डालें। यहाँ पे आपके पास अगर काला नमक है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने नॉर्मल वाइट वाला यूज़ किया है। एक छोटा चम्मच कटा हुआ धनिया यूज़ करेंगे, वॉश करके यूज़ करना है गाइस। और अब इसमें 2 चम्मच हम लोग बूंदी ऐड कर देते हैं, नॉर्मल वाली जो बेसन की मार्केट में मिलती है, 2 चम्मच ऐड करें। इन सब चीज़ों को एक बार आप अच्छे से मिक्स कर लें, दही बूंदी मसालों को। ओके, तो यहाँ पे सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको एक मेजरमेंट बता रही हूँ, यहाँ पे 3 चम्मच दही लिया था हम लोगों ने, तो यहाँ पे हम लोग 6 चम्मच पानी ऐड करेंगे। ठीक है, और इसको भी हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। तो ये देखिए गाइस, हमारा बूंदी का रायता बिल्कुल तैयार है और ये ज़्यादा थिक भी नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है। और अगर आप इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करना चाहते हैं तो 2 चम्मच और भी ऐड कर सकते हैं, हमारी जो बूंदी है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो बहुत ही सिंपल है, ईजी है, टेस्टी है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, सत श्री अकाल।